के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। नेपाल प्रभाग के पहाड़ी इलाकों कोसी नदी जल ग्रहण अधिक्षेत्र में भारी वर्षा से नेपाल के कोसी बराज से कोसी नदी में 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया। कोसी नदी का इस साल का अब तक का अधिकतम डिस्चार्ज जा पहुंचा है और लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। रात भर में 3 लाख पार करने की संभावना बताई जा रही है। वहीं कोसी में उफान और जल स्तर बढ़ने से कोसी तटबंध के भीतर से सैकड़ों गांवों में जल तांडव मचना शुरू हो गया है। कोसी नदी में उफान और जल स्तर में वृद्धि होते ही जिले के निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाही प्रखंड के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांवों में कोसी जल प्रलय से खतरा मंडराने लगा है। लोगों के घरों में कोसी बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। कोसी के पानी बढ़ने के साथ लोग नाव से बच्चे सहित बाहर ऊंचे स्थानों पर आने लगे हैं, जबकि सैकड़ों परिवार कोसी के धारा के बीच पानी में दिन रात गुजारने को विवश हैं। घर आंगन में बाढ़ के पानी में घर चापाकल डूबे पड़े हैं। कोसी पीड़ित लोग अब नदी से बाहर तटबंध पर शरण लेने लगे हैं। इस साल कोसी नदी शुरुआत में ही रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर चुकी है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोसी का जल स्तर 2.5 लाख क्यूसेक को पार कर गया है और जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस न्यूज के सह प्रायोजक है जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो, यूनिसेक्स सलोन, मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।